हेलो एवरीवन, आप सबको गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज अष्टम है, अष्टम का भी शुभकामनाएं। अष्टम मतलब पहला ओणम है आज का दिन, इसलिए हम लोग उधर फ्लावर से पुकलम बना रहे हैं। क्या बोलते हैं, पुकलम? मेरे ख्याल से पुकलम, हाँ, रंगोली अलग उस तरीके से बनाते हैं, बट ये फ्लावर से उसको पुकलम बोलते हैं मलयालम में। और ये अत्तम से शुरू करते हैं, मतलब फर्स्ट डे होता है वहाँ पे, छोटा सा एक हाथ बनता है, फिर धीरे 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 वो सर्कल बड़ा होते जाता है। तो अभी एक आज जो बना रहे हैं उसमें एक ही सर्कल है, उसके बाद दो सर्कल होगा, फिर तीन, ऐसे दसवें दिन जो है बहुत बड़ा शानदार एकदम 10 सर्कल वाला पुकलम तैयार करते हैं। हर घर में बनता है वहाँ पे, केरल में सब जगह पे ये होता है ना जो, बच्चे लोग करते हैं वो भी। अभी देखो सन ऊपर आ गया है ना, ऐसा नहीं, हम लोग अर्ली मॉर्निंग सूर्य उदय के पहले ही उठकर पहले गोमूत्र से पूरा ये शुद्धिकरण करते हैं, काउ डंग से पूरा लेप करते हैं, लेप करते हैं, और उसके बाद उसके लेप के ऊपर में ये ऐसा सजाते हैं फिर। हम लोग बचपन में एक दिन पहले ही सब बच्चे लोग मिलकर है ना फूल तोड़ने के लिए जाते हैं, फिर अगर फूल कम है तो है ना हम लोग लीव्स लेकर आते, फिर सब लोग कट कर कर मतलब स्टोर कर लेते हैं, वैसा था। Wait, is it Christmas? When is it Christmas? I'm waiting for Christmas, but Christmas is just not appearing. Oh, can I help with that? One flower for you. One flower petal for you. And one flower petal for... Okay. Half for each of you. प्रसाद इधर रेडी है गणेश जी के लिए। मैंने बनाया अम्मणी कोलकाता, ये हमारा गणेश जी के लिए। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कल अंजू बाकी वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाई, उसको थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया था, उसके पापा का तबीयत खराब है अभी, हमको पता नहीं पड़ा था, मतलब 2-3 दिन पहले ही उनको हॉस्पिटल में एडमिट वगैरह होना पड़ा, बीपी हाई हो गया, थोड़ा हार्ट में थोड़ा वेरिएशन था, तो ये सब लेकिन हमको बताया नहीं उन्होंने, तो 3-4 दिन के बाद में हमको ये बताया, तो ये सब सुन के हमको भी थोड़ा सा दुख हुआ, अंजू का भी तो एकदम पूरा मूड ऑफ हो गया था, तो कल पूरा दिन उसका एकदम बेकार ही था पूरा। 4-5 दिन हो गया और हम लोगों को परसों मालूम पड़ गया, सिर्फ मुझे नहीं दीदी को भी नहीं बताया, मम्मी क्या बोल रहे हैं, तुम लोग दूर रह रहे हैं। हाँ, मतलब टेंशन नहीं देना है, वो सब सोच के उन्होंने कुछ बताया नहीं हमको, तो एनीवे मतलब अभी घर पर है लेकिन थोड़ा सा डाउन है अभी भी, थोड़ा उनको जो है मोटिवेशन प्रॉपर नहीं है। मम्मी बोल रहा है 3 बार अटैक हुआ है लेकिन कभी भी पापा इतना हिम्मत हार कर नहीं देखा है, इस बार थोड़ा डाउन है। पापा को है ना पेन आधी रात को हुआ था, फिर हमारा नेबर्स सब रिश्तेदार ही है, सब लोग बहुत अच्छा है, उन लोग लेके गया है, फिर पता चला हाई बीपी है, बहुत हाई बीपी है, फिर ईसीजी में भी थोड़ा सा वेरिएशन है। लास्ट टाइम ऑपरेशन हुआ था जब खुशी बॉर्न हो गया, उस समय ऑपरेशन के टाइम है ना कुछ तो गलती हो गया, पापा का है ना पूरा बॉडी ब्लू कलर में होना शुरू हो गया, फिर पता चला ब्लड क्लॉट हो रहे हैं, फिर पेट के देखो इधर ऐसा है होल, इतना एक होल डालकर एक ट्यूब डालकर सारा ब्लड निकाल दिया, वो भी बिना एनेस्थेशिया के। उस समय भी पापा इतना ब्रेव था, मतलब कोई पापा का कोई परवाह नहीं ऐसा था, लेकिन अब भी पापा
थोड़ा डाउन है, लेकिन हो सकता है जनरली द कंडीशन भी अभी ऐसे ही है ना, कोविड सिचुएशन है थोड़ा सा, जनरली उन्हें बातचीत भी करने के लिए ज्यादा लोग बाग नहीं है, बाहर नहीं जा पा रहे तो ये सब मिला के हो जाता है। हाँ होगा, इसलिए अभी दो दिन से संतोष बाहर गया था ना, वो रिश्मा पार्क में बहुत सारे डियर्स है ना, उनको एनिमल्स काफी पसंद है, बहुत पसंद है, तो उनको मैं थोड़ा सा डियर वगैरह दिखा देते हैं जो व्हाट्सएप कॉल करके ना, तो उनका भी थोड़ा मन हल्का हो जाता है, टाइम पास, डिफरेंट माइंड में भी डिफरेंट चीजें आती है ना, यू नो अदरवाइज घर में बैठे बैठे सेम चीज सोचते रहते हैं। वही प्रॉब्लम है, अभी दीदी और मैं जा नहीं पा रहे ना, वही थोड़ा, इसलिए फिर मैंने कोई व्लॉग नहीं किया, लेकिन आज सुबह वॉक कराने के बाद है ना, थोड़ा नहीं, बहुत अच्छा फील हो रहा है। और अभी संतोष जाएंगे चिंसी के साथ, उसका एथलेटिक्स कॉम्पिटिशन है आज, एक 9:30 बजे निकलना है, अभी हो गया है 9:45 हो रहा है अभी, फटाफट रेडी हो जाते हैं। ठीक है, मैं इधर चुंगसी के लिए लंच लेके जाना है ना, उसके लिए थोड़ा चिकन बॉईल कर रहा है, ये लोग जाने का तैयारी कर रहे हैं। चुंगसी हम बल्लो करते चो खाने का चीज, लास्ट टाइम के जैसा आप खाना भूलना नहीं, और हाँ हाँ, और बहुत सारे लोग पूछा था चुंगसी लास्ट दो वीडियो में बहुत टेंशन में है, उसको टेंशन था आज का गेम सोचकर, हम लोगों ने बोला टेंशन मत ले लो, क्योंकि अभी 4-5 महीने से कोई ट्रेनिंग कुछ नहीं था ना, अभी रिसेंटली स्टार्ट किया ना, इसलिए उसको टेंशन है अभी। कोच का मैसेज आ गया, अभी आएगा। गो अपस्टेयर्स एंड देन कैन यू ब्रिंग माय फोन? व्हाई? यू वांट इट टू वेयर इट नाउ? यू नीड टू वॉश इट। हां? यू नीड टू वॉश इट। या, वेलकम बैक, प्लीज ब्रिंग इट। प्लीज। बिफोर वाज लाइक हियर सिटिंग ऑन योर लैप। इन द फोन इट ओनली। ओके, गिव मी। इफ यू कैन ब्रिंग माय फोन। मैम, नो। आई वांट टू गिव। ഇതെവിടെ നോക്കുന്നേ? और एक गुड न्यूज भी है, वो ये लोग शाम को आएगा ना, उसके बाद मैं बताती हूँ। और वो गुड न्यूज क्या है वो मालूम करने के लिए ना, आप लोग अभी लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो। लंच सब हो गया, सुबह चुंगसी के लिए सैंडविच बनाया था ना, वही हमारा भी लंच था। और अभी खुशी खा रहे हैं बनाना। बनाना मतलब चॉपिंग सम इंडियन बनानास आई सेड केरला बनानास आई नीड टू हैव वन सो हां ये केरला बनाना है द ह्यूमंगस लुक हां काफी बड़ा है ये एंड देन आल्सो वन साइड एट दिस बिग खुशी को बहुत पसंद है ये मुझे भी पसंद है चुंगसी का आज दो कंपटीशन है पहला वाले में संतोष बोले बहुत अच्छा किया बहुत इंप्रूवमेंट है और मैं इधर डिनर का तैयारी कर रहे हैं अभी टाइम 1:35 हुआ है ये स्पिनाच और ग्रीन चिली डालकर बॉईल कर रखा है कल दोपहर के लिए सांभर का तैयारी कर रहे हैं क्यों आज ही ये बना कर रख रहे हैं क्योंकि कल दोपहर में ना हम लोग को एक जगह जाना है इसलिए आज ही बना कर रख रहे हैं और ये ड्रमस्टिक और इसका नाम मुझे नहीं मालूम है कुकुम्बर जैसा लग रहा था और ये दो मैं है ना फ्रीज कर रखती हूँ क्योंकि ये जल्दी है ना खराब हो जाता है और इधर बटर से घी बना कर रखा है ओणम के लिए अभी मैं सांभर बनाने जा रहे ये सांभर है ना बहुत जल्दी बना सकते हैं और बहुत टेस्टी भी है पहले कुकर में 1 टीस्पून घी और 1 टीस्पून ऑयल डाला है आप लोग चाहिए तो सिर्फ ऑयल भी यूज कर सकते हैं लेकिन घी से है ना टेस्ट थोड़ा अच्छा होता है ऑयल गर्म हो गया इसमें डालना है मस्टर्ड सीड्स थोड़ा सा मेथी सीड्स ड्राई रेड चिल्ली शैलट और करी पत्ता डालना है आप लोगों के पास शैलट्स नहीं है तो एक बड़ा ओनियन कट करके डालना शैलट हल्का सा ब्राउन कलर हो गया अब इसमें डालना है थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर 1 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर और तीखा कितना चाहिए उसी हिसाब से डालना है 2 टीस्पून सांबार पाउडर 1/2 टीस्पून हींग और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं अब डालना है टोमाटो मैंने इधर 3 टोमाटो यूज किया है और कच्चा केला कैरेट और इसका नाम मुझे नहीं मालूम आप लोगों को जो वेजिटेबल पसंद है ना वो सब डाल सकते हैं लेकिन करेला नहीं डालना है और 1-2 मुट्ठी तुअर दाल 1/2 कप से थोड़ा सा ज़्यादा डालकर अच्छे से मिक्स कर पानी डालकर सॉल्ट डालना भूल गई थी अब सॉल्ट भी डाल देते हैं इसको भी 2-3 विसल होने तक कुक करना है ये बर्तन भी थोड़ा क्लीन होने के लिए रख लेते हैं
इसका है ना इधर खराब है, पहले से जब हम लोग को मिला है ना तभी ये खराब है, इसलिए इधर ही डालते हैं। ये अच्छे से कुक हो गया। अब इसमें डालना है दो ग्रीन चिल्ली, ये पहले से डालना था मैं भूल गई थी, और ड्रम स्टिक। अगर आपके पास भिंडी है तो वो भी इसमें डालना, मेरे पास नहीं है इसलिए मैं नहीं डाल रहा। और थोड़ा सा और पानी डालकर, ये ड्रम स्टिक थोड़ा सॉफ्ट होएगा ना तब तक कुक करना है। 5-10 मिनट हो गया, ये ड्रम स्टिक भी कुक हो गया, ये रेडी हो गया। अभी गैस ऑफ कर इसको एक 10 मिनट के लिए ऐसे कवर करके रखना है। और पालक पनीर भी इधर रेडी है। वैसे डालकर ब्लैक टी बनाने के लिए रखा है क्योंकि संतोष आ गया है। और देखो सांबार दिखा दो एक बार, सांबार और थोड़ा थिक हो गया। आप लोग भी है ना ओणम के दिन ये ट्राई करना, मैं जितना भी रेसिपी ओणम रेसिपी बना रहे हैं ना सब मिलाकर आप लोग भी एक सद्या बना दो और ओणम के दिन। हाँ बनाओ और भेजो हमको, पिक्चर भी भेजना आप। हाँ, फोटो भेजो, बताना आप लोग भी ओणम सेलिब्रेट करना। हाँ, अच्छा लगेगा आप अगर। हाँ, आप लोग भी शेयर करना आपका ओणम कैसा रहा। ये कटहल का चिप्स है, ये बहुत तो फेमस है केरल में, तो हम लोग। हाँ, बहुत खाते हैं, अंजू का फेवरेट है। हाँ, लेकिन इसमें ना कोई टेस्ट ही नहीं, लेकिन ये वाला ऑब्वियसली इतना अच्छा नहीं। केरल में जो मिलता है वो तो अल्टीमेट होता है। आज का रेस बहुत ही बढ़िया था, दोनों रेस बहुत अच्छे रहे। लास्ट टाइम के मुकाबले इस बार चुंगसी ने 0.7 सेकंड्स का और अपना परफॉर्मेंस बेटर किया। दो रेस हुए थे आज। चुंगसी बारा, चुंगसी से बात करते हैं, बताओ चुंगसी। Yeah, so for the first race, I did 11.83 and the second race I did 11.89. But my expectations was 11.84 or less. एक्सपेक्टेशन के मुकाबले उतना अभी तक पहुँचे नहीं है, बट आई एम श्योर कि हम लोग धीरे धीरे पहुँचेंगे। और यहाँ पे देखो कौन आया है, अपना गुड न्यूज बताया नहीं बताया, आप बताओ। कल हम लोग जा रहे हैं घर देखने, घर देखने के लिए, करेक्ट। टुमारो हम लोग जा रहे हैं, चुंगसी को भी काफ़ी पसंद आया हुआ घर है और बहुत अच्छा। चुंगसी ने ढूंढ करके निकाला और हम लोग बहुत घर देखा है। लेकिन इस बार मैं आप लोगों को क्यों बता रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों को बोल दिया, आप लोग मेरा लकी चम है ना इसलिए बोल दिया तो शायद वो मिल जाएगा हमको, मिल जाएगा। तो इसलिए हम देखते हैं कल जाके देख के देखते हैं कि कैसा लगता है ना। चुंगसी चुंगसी को तो बहुत ही पसंद आया। चुंगसी तो ऑलरेडी पूरा इंटीरियर प्लानिंग कर चुका है, मैंने बोला इतने एक्सपेक्टेशन मत करो क्योंकि इधर घर खरीदना बहुत सारा प्रोसीजर, बहुत प्रोसीजर और मुश्किल भी है, तो इसलिए पता नहीं होगा कि नहीं होगा, बट हाँ जाके देखते हैं। अगर पॉसिबल है तो मैं घर का थोड़ा बहुत आपको दिखाऊंगी, उनका उनका अगर परमिशन है। चुंगसी को ऐसा लग रहा है कि आसानी से खरीद सकते हैं। Not only that, I'm happy. It looks good, but I'm just so sad. I don't want to leave this precious house, this shape, the windows, the door. Ah, इसका house owner अभी अगर देख लिया तो है ना घर से बाहर निकाल दूँगी, उतना मेसी करके रखा है मैडम ने। I'll explain everything. I'll say chup, एकदम chup. एकदम chup. And not only that, I say look, there's a ladybug. I made a hole for it. No. लेडी बर्ड है उसको, उसके लिए देखो उसने एक ऐसा एक टेंट भी बना दिया है और उसके लिए कारपेट भी रखा हुआ। I like it, खुशी। I'm pretty sure the number of spots on the back of a ladybug is how old they are. Is it? Okay. पंजू यहाँ पे चपाती बना रही है, तो अभी हम लोग यहाँ पे बर्थडे और कुछ शाउट आउट्स हैं वो भी विश कर लेते हैं। So first is birthday. Kiran's husband says wish Kiran, Arsha, Irfana's son Mohammed, Abdul Haziz, last Akshita. Happy birthday! Next is shout outs. So first is Palakshi Sate, Rakesh Pillai, Beverly and cousins Ryanel and Niraj, Aida Azhar and Gunjan Hiranandani. 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 Hi! Hi to all of you! Hi to all of you!
आज का फन फैक्ट जो है मैंने ढूंढ के निकाला है, मैथमेटिक्स पर है, और मैथ्स में जो है बहुत सारी चीजें ऐसी है कि जो मतलब मेस्पराइजिंग है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, तो उसके लिए टाइम लगेगा सब बताने के लिए, लेकिन एक जो है मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और वो है मल्टीप्लाइंग वंस विल ऑलवेज गिव यू पैलिंड्रोमिक नंबर. पैलिंड्रोमिक नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिसको आप राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट पढ़ेंगे तो बिल्कुल सेम होगा. बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, यहाँ पे 11 और 11 मिलके चार डिजिट्स हैं, 1 1 है फिर 1 1, चार डिजिट है, और आंसर में आपको केवल 3 डिजिट मिलता है, और 1 2 1 आंसर आता है. अगर सीधा पढ़ेंगे राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो भी 1 2 1 है. उसके बाद एक एग्जाम्पल लिया है 111 टाइम्स 111, एंड दैट इज टोटली 6 डिजिट्स हैं. अदर लेफ्ट साइड में आप देखोगे तो 6 डिजिट्स हैं, और राइट साइड में आंसर में कितने हैं, 5, और आंसर कैसा है, 1 2 3 2 1. इट्स सो इंटरेस्टिंग, इजंट इट? मतलब मेरे को ये इतना अच्छा लगता है, आई डोंट नो सबको अच्छा लगे नहीं लगे, लेकिन इट्स सो इंटरेस्टिंग फैक्ट दैट आई थॉट आई शुड शेयर विद यू. आज वीडियो जो है हम मैथमेटिक्स फन फैक्ट के साथ में फिनिश करते हैं, और अंजू यहाँ पे एकदम शानदार पालक पनीर और चपाती बना रही है, तो हम लोग खाते हैं अब चपाती पालक पनीर. हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय. आई एम गेटिंग रेडी फॉर डिनर बिकॉज़ इट्स 4.